इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट मिडनाइट हो चुकी है 11 बजे। मैं इस वक्त जस्ट वॉक के लिए आई हुई थी तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा यहाँ का एक ओवरव्यू दे दूँ। बड़े ही खूबसूरत किस्म के हट हैं यहाँ पे, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। सुबह इंशाल्लाह हमें गवादर के लिए निकलना है अर्ली मॉर्निंग, तो मिलते हैं सुबह। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और हम ओरमाड़ा से निकल रहे हैं, गवादर की तरफ जा रहे हैं। तो फिर इंशा ताला गवादर में जहां हम जाएंगे और फ़न करेंगे उसकी भी वीडियो मैं आपको दिखाती रहूंगी, तो मेरे साथ रहिएगा। ये वही जगह है जहाँ से हम जाते हुए जब मैंने आपको हट्स दिखाए थे, तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं तो आपको ये काफ़ी क्लियर नज़र आ रहे होंगे क्योंकि उस वक्त हम उस रोड पर थे, अब हम जाने वाली रोड पर हैं। तो आप ये देखिए कितने क्लियर हट्स नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल बीच के जो है ना साथ ही हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर कभी आना हुआ तो हम इन हट्स पर ज़रूर रहेंगे। और अभी जो है आपको ये सारा व्यू दिखा रही हूँ, ये सारा बलूचिस्तान है और अब हम गवादर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक और जो चीज़ अमेजिंग मुझे पता चली वो ये कि ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये पहाड़ नहीं है, ये बेसिकली रेत के टीले, लाइक रेत जो है वो जमा होते 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 उन्होंने इस तरह से शेप बना ली। तो ये सारी मिट्टी है, रेत है, ये जो रेत का एक तरह से पहाड़ कह सकते हैं। तो ये जो है वो रेत के पहाड़ हैं और मैं इनको रॉकी माउंटेन समझ रही थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये सारे रेत के। और इस वक्त आप देख सकते हैं इस कदर रेत थी ना, समझें कि रेत का तूफान था। ये थ्रू आउट दी रोड हमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी का तूफान का सामना करना पड़ा। ये अभी मैं आपको ये बात क्यों कर रही हूँ ये मैं आपको आगे जब वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैं आपको ये मिट्टी के तूफान का क्यों बता रही थी, आप ये देखें, ये इस वक्त विंडो की हालत देखें। और इसी विंडो ही नहीं, पूरी गाड़ी जो है वो फुल कवर्ड हो चुकी थी इस मिट्टी से और काफ़ी मिट्टी का तूफान था। ये थ्रू आउट द रोड हमने ये फेस किया और ड्राइविंग करना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था हमें, क्योंकि मिट्टी इस कदर थी कि हमें कुछ सामने रोड नज़र नहीं आ रहा था। तो फाइनली ये रोड ख़त्म है और हम गवादर के रोड पर पहुँच चुके हैं। तो ये आप सामने ऊपर बैनर देख रहे हैं कि गवादर का जो है वो उन्होंने साइन दिया हुआ है। तो फाइनली हम गवादर सिटी पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से आपको जो है बोट्स और काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आएंगी, आप देखते रहिए। Thank you.
हम इस वक्त पीसी गवादर के पास से गुजर रहे हैं। ये सामने आपको ऊपर जो नजर आ रहा है बड़ा सा, ये पीसी होटल गवादर है। ये आपको अभी सामने से क्लियर नज़र आएगा, दिस इज़ पीसी गवादर। हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हम गवादर को एक्सप्लोर करने निकलेंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब हम निकल रहे हैं गवादर को एक्सप्लोर करने के लिए, तो सबसे पहले हम जाएंगे बीच साइड बिल्कुल, जो कि है अरेबियन सी। और ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है, सनसेट का व्यू था और बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। गवादर के बिल्कुल एज पे हैं, यहाँ से समझे पाकिस्तान एंड हो चुका है, इसके बाद ईरान बॉर्डर शुरू हो जाता है आगे। जी यहाँ से स्टेयर्स दी गई हैं जहाँ से आप नीचे तक जा सकते हैं, तो हम उन चेयर से यहाँ नीचे सी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ ऑलरेडी दो बंदे बैठे हुए हैं, ये स्टेयर है। इन स्टेयर से नीचे आप पानी का प्रेशर देख सकते हैं, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से आ रहा था, तो हम लोग जो है ज़्यादा आगे इसी वजह से नहीं जा पा रहे थे। हम बिल्कुल एज पे ही खड़े हुए थे और मुझे तो लिटरली बहुत खौफ आ रहा था, क्योंकि पानी जो है वो बहुत तेज़ था।
तो इसलिए हम ज़्यादा वहाँ रुके नहीं। पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से हम वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके, हम वहाँ से जल्दी निकल गए थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप गाइज आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और हमने बहुत इन्जॉय किया। तो आप मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं कल एक न्यू प्लेस और एक न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।